उपनिषद गंधु ध्यान ना दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक लॉ इट इज वेरी पर्टिकुलर टू दोस पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन टेररिस्ट एक्टिविटी जो लोग इसका तलाश होता है जिनका ताल्लुक बैंड आउटफिट से होता है कलदम तहरीकों से होता है जो दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं एक आम क्रिमिनल चाहे वो किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दे उसके ऊपर 302 ताजराते पाकिस्तान के तहत पर्चे का इंदराज तो होता है लेकिन दहशतगर्दी उस पर भी नहीं लगती ये मैं नहीं कह रहा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज दी हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री ये उसके फैसले हैं जो मैं आपको कह रहा हूं तो अगर तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान वहां पर एहतजाज कर रहे थे या मुजाहरा कर रहे थे और वहां पर जो तोड़ फोड़ हो भी गई थी तो पहला सवाल तो ये है कि उसमें बराए रास्त which does not fall within their domain, within the purview of the anti-terrorist court, to phir wo usko khatam kar sakti hai aur usse ek regular criminal court mein bhej sakti hai lekin aisa hua nahi zamanat ki darkhast ko pehle retain kar liya gaya aur usko mansoor kar diya ab lahore high court mein jab gaye to lahore ka high court ne bola ki ye imran khan jo hai unko kahe ki wo yahan par aaye imran khan ke wakil ne kaha ki unke security ke dost कोशिश की जाती है तो व्हाट इज दी गारंटी कि पंजाब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करके इस्लामा पुलिस के सपोर्ट नहीं कर देगी जिस तरह से फवाद चौधरी के साथ हुआ था बिकॉज पीडीएम की जो हुकूमत है वो तो वन वे और दी अदर चाहती है कि किसी तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हो उसके बाद फिर ये कहा गया कि मेडिकल ग्राउंड है उनका तो उन्होंने जाके एम्बुलेंस में लेकर आए बगैर पेश हुए जमानत नहीं ले सकते तो मैं ये सोच रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एवेंचुअली फैसला करती है कि एम्बुलेंस में इमरान खान वैसे एम्बुलेंस से तो मेरे ख्याल में वो नहीं जाएंगे क्योंकि रावलपिंडी के जलसे में भी वो एम्बुलेंस में तो नहीं गए थे लेकिन ये जितनी भी कहानी है ये एक पूरी जो एक नई फिल्म चली है इस फिल्म का अगर इमरान खान हो जाते हैं वहाँ पे अदालत में और जमानत के लिए तो इस पूरी फिल्म का एक बहुत दोबारा भी मेरे ख्याल में आवाम की नज़र में हीरो होगा वो दोबारा इमरान खान होगा बिकॉज पीपल विल से कि देखें एक तो गोलियाँ मारी गोलियाँ लगी और उसके बाद वो घर में है तो अब उनको दहशत गर्दी के पर्चे कराने के बाद अदालत में पेश होना पड़ा तो ये जो है ये वार तलब बात है बहरहाल एक तो ये स्टोरी थी दूसरा मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डायरेक्शन दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने और वो तारीख का ऐलान करना था और गंगा हाउस लाहौर में जो इजलास हुआ था उसमें तारीख के हवाले से कोई इतफाक नहीं हो सका था तो फिर एक तोहीन अदालत की पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन के पास दायर की गई उसको नोटिस कर दिए और जितनी भी मुतलका पार्टीज हैं उनको बुला लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने 23 फरवरी के लिए वो फिक्स है लेकिन ये जितनी भी सारी आज की सिचुएशन है इमरान खान के हवाले से उसमें एक खबर जो वैसे बड़ी अहम है जिसको पर बात हो रही है लेकिन शायद उतनी तवज्जो इस पर इसके ऊपर नहीं जा रही बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हो गई और उसके ऊपर बातचीत होना शुरू हुई वो भी 170 अरब रुपये का मिनी बजट है जो आज पीडीएम की हुकूमत ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया है जिसके बाद जो है महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा और आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं पेट्रोल के हवाले से जो बात आ रही है वो भी आ रही है कि अगले एक दो दिन में पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज 4 महीने में 76 अरब रुपए कलेक्ट किए जाएंगे जीएसटी के लिए तजवीज़ है 17% से 18% पर किया जाएगा आईएमएफ की डिमांड है कि आप टैक्सेस को मुस्तकिल करें इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ की बात होगी विधानसभा आपसे बताइएगा कि ये आज जो मामला हुआ है
हीरा नानी बुला रही है।
नहीं याद किया करो यार जी। जाने इसको पकड़ेगा दो मिनट। ये इसको ऐसे पकड़ के रख मेरा बच्चा, पकड़ के रखना, छोड़ नहीं देना बदला लेने को। पता है फूफी का सिर खुल गया। ये किसका? पापा। ए भूत निकल।